बारिश के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण करने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, अजय सिंह राहुल और डॉक्टर गोविंद सिंह मालवा के किसानों के बीच जाने को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस सरकार में थी तब तो गए नहीं, आप क्या किसानों को इतना ना समझ रहे हैं। आज हमारे कृषि मंत्री खेत खेत जा रहे हैं, ओले और पाला पड़ने पर हमारे मुख्यमंत्री भी जाते हैं। गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री बने कोरोना एक साल बाद आया, पर ये एक साल पहले ही वल्लभ भवन में क्वारंटीन हो गए। उन्होंने कहा, किसान सब समझते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है और झूठ बोलने वाले अगर मुख्यमंत्री कोई है तो वह कमलनाथ है। कांग्रेस की बैठक को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो भी करेगी सिर्फ बंद कमरे में ही करेगी। उन्होंने कहा, जनता से फीडबैक लिया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उनसे फीडबैक ले रही है जो कभी फील्ड पर जनता के बीच गए ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम क्या होगा उसके लिए प्रतीक्षा करिए। कांग्रेस के प्रचंड बहुमत से जीतने के दावे पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस तब भी नहीं आ पाई जब हम 15 सालों में बहुमत में रहे। उन्होंने कहा, तब भी अल्पमत में ही रही। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने बसपा सपा और निर्दलियों को जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के भाई के बकाया बिजली बिल पर गृह मंत्री ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार है और प्रद्युमन सिंह भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार के मंत्री हैं। गृह मंत्री ने कहा कि बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। उन्होंने कहा, यहाँ पर कानून का राज है, यह कार्यवाही सबके ऊपर समान होती है और वही हो रही है। बता दें कि जल्द ही मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार सत्ता में वापसी की है। ऐसे में जल्द ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 27 सीटों पर, जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।